नमस्कार किसान भाइयों, मैं भरपूर सिंह, मैं रिग जवान में कार्यरत हूं। आज मैं आपको पॉली हाउस की स्वच्छता के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे पुरानी कहावत है, इलाज से रोकथाम भली, ऐसे ही हम पॉली हाउस में भी रोकथाम करके कई बीमारियों और कीट को जाने से रोक सकते हैं। जैसे आप ये पोस्टर देख रहे हो, ऐसा पोस्टर आप देख कर जो सावधानियाँ हैं उसको आप दरवाजे के पास लगा सकते हो, और जो आपके कामगार है वो इसको देखकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हैं। पहली बात, जो आपका पॉली हाउस के आसपास वाला क्षेत्र है वो खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। इसका ये फायदा होगा, जो कीट या बीमारियां हैं वो किसी भी खरपतवार के ऊपर पलेंगी बढ़ेंगी नहीं और वो अंदर नहीं जाएंगी। और जैसे आप देख रहे हो, ये कीट जाली है, इसको आपने साफ रखना है। इसका जो है, जो हवादारी है फसल में हमारे, वो बेहतर रहेगी। जैसे आप देखोगे, आप सभी के पॉली हाउस में दो दरवाजे होते हैं और ये दोनों दरवाजे हर वक्त बंद रहने चाहिए, और जब आपने अंदर जाना है तब ही एक दरवाज़ा खोलना है, लेकिन दूसरा दरवाज़ा बंद होना चाहिए। और आप ये पैरों वाला मैट देख रहे हो, इससे आपने पैरों को पूरा साफ करके जाना है, क्योंकि अगर बाहर वाली मिट्टी हम बाहर छोड़ देंगे तो बहुत सारे कीट और बीमारियां जो है, जो मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, वो अंदर जाकर अपनी फसल को संक्रमित नहीं करेंगी। अब जो है, दो दरवाजों के बीच वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये हर टाइम साफ रहना चाहिए, क्योंकि अंदर अगर कोई भी कीट हमारे साथ आकर अंदर घुसता है तो उसको छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। आगे जैसे आपने फसल के अंदर जाना है या पॉली हाउस के अंदर जाना है, तो आप एप्रन पहन कर जाओ, क्योंकि जो भी आपके साथ में कोई कीट या बीमारी वगैरह लगी होगी वो आपकी फसल में नहीं जाएगी और आपकी फसल संक्रमित नहीं होगी। अभी जो है, हमने जूतों को रोग रहित करना है, उसके लिए हमने ताज़ा सॉल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइट का 1% बनाना है, और वो हर रोज़ बनाना है। और इसमें हमने जो जूतों का निचला हिस्सा है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है, और इससे ये फ़ायदा होगा, जो कोई भी बीमारी बाहर से है वो अंदर नहीं जाएगी, ज़मीन में नहीं जाएगी और आगे फसल में नहीं फैलेगी। अभी जो है, आगे आपने अपने हाथों को साफ़ करना है, और इसमें जो है हमने स्पेट का गोल बनाया हुआ है, और इससे अगर हम हाथ साफ़ करेंगे तो हमारे हाथ जो है रोग रहित हो जाएंगे, और आगे जो है हमारे पौध को, हमारी फसल को रोग रहित रखेंगे। जैसे आपने पॉली हाउस के बाहर वाला क्षेत्र देखा, वो खरपतवार से मुक्त है, ऐसे ही पॉली हाउस के अंदर वाला क्षेत्र है, जो जहां हमारी फसल नहीं है, वो भी खरपतवार से मुक्त होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। अगली बात, जैसे आप देख रहे हो, जहाँ जो मिट्टी की मेड़ है, ये जो है हमारे काई के मुक्त होनी चाहिए, और जो मिट्टी नरम होनी चाहिए, पक्की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है, जो हमारे पेड़ की जड़ है वो अच्छे तरीके से फले फूलेंगी और उसको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। अभी कटाई के लिए आपने 10% स्किम्ड मिल्क वाला घोल बनाना है, ताज़ा घोल, और ये जो ताज़ा घोल बनाया हुआ है ये आपने 4 घंटे तक वर्तों में लाना है। 4 घंटे बाद आपने नया घोल बना लेना, और उसमें आपने 2 कैंचियाँ रखनी है, और एक आदमी जो है वो 2 कैंचियाँ रखेगा, और एक कैंची से एक पेड़ को काटेगा और दूसरी कैंची से दूसरे पेड़ को काटेगा। और इससे ये फ़ायदा होगा, जो बीमारी एक पेड़ से दूसरे पेड़ को कैंची से फैलती है वो कम फैलेगी या नहीं फैलेगी। जैसे आप अपनी फसल में काट छांट करते हो, पत्ते निकालते हो या टहनियाँ निकालते हो, और वो आपने डिब्बे में डाल लेनी है, और शाम होने से पहले हर रोज़ आपने निकालनी है, और उसको एक रेडी वगैरह में या ट्राली वगैरह में डालकर एक खड्डे में डाल लेना है, और वो सारी फसल को आपने खड्डे में डालते रहना है, और वो कुछ टाइम बाद वो गल सड़ जाएगी और उसकी जो है जैविक खाद बन जाएगी। अगली फसल लगाने से पहले आप उसी पॉली हाउस में डालकर आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हो, और जो है आपकी फसल जो है आगे वाली बढ़िया निकलेगी। धन्यवाद।